हे व्हाट्सअप बेडीज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। स्वागत से भी एक और नए वीडियो पे। अब वेल, आज वाली वीडियो में आप सभी को बना के देने वाला हूँ फोर फिंगर क्लॉ कंट्रोल्स। एंड ये जो क्लॉ कंट्रोल होने वाला बहुत ज़्यादा ओपी होने वाला है, ठीक है। अब वेल, अगर आप सभी को थ्री फिंगर क्लॉ कंट्रोल चाहिए तो उसके लिए मैंने एक वीडियो अलग से बना के रखी है, तो वो वाली वीडियो चेकआउट करते हो चैनल पर जाकर चेकआउट कर लेना अगर आपको थ्री फिंगर क्लॉ चाहिए। तो वेल, फोर फिंगर बनाने वाले हैं, आपको बना के देने वाला हूँ, ठीक है। एंड हाँ गाइस, रही बात कोड की, तो भाई मैं देखो कोड हर वीडियो पे देता हूँ। अब जैसे मैं न्यू कंट्रोल सेंसिटिविटी बनाता हूँ ना, तो पुरानी वाली जो कोड रहते हैं वो एक्सपायर हो जाती है। अब मैं न्यू कंट्रोल सेंसिटिविटी आप सभी के लिए बनाता हूँ ताकि आप सभी को वीडियोस देख पाऊँ। तो प्लीज़ देखो, कोड कभी भी एक्सपायर हो जाता है, प्लीज़ आप लोग थोड़ी सी मैथ कर स्क्रीनशॉट ले लिया करो ना। मैं कोड देता हूँ लेकिन पुराने वाले एक्सपायर हो जाते हैं, न्यू वाले काम कर जाते हैं। सो अभी फिलहाल जितने दिन कोई दूसरी वीडियो नहीं आती तब तक ये वाली कोड वर्क करे जो अभी इस वीडियो पे देने वाला हूँ। एंड नहीं वर्क करती है तो भाई आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, प्लीज़ थोड़ी सी मेहनत कर लो। तो वैल, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल फर्स्ट सब्सक्राइब से कर लो क्योंकि हमें करें 20K की फैमिली। एंड चलो शुरू करते हैं। तो वेल देखो, आप सेटिंग पे आ चुके हैं एंड यहाँ पर मैं लेआउट 3 पे बनाता हूँ क्योंकि लेआउट 1 में मेरा ऑलरेडी अपना कस्टम है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर फोर फिंगर बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मेनली सबसे पहले काम करेंगे हम लोग अपने जॉयस्टिक को ऊपर। तो जॉयस्टिक को पहले से छोटा कर लेते हैं। अब इसे जितना छोटा रखो उतना जिगल देने के लिए आपके बेस्ट होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये बात हो गई यहाँ पर। एंड सारे कंट्रोल्स को इधर से उधर करने वाला पहले हेरा फेरी, ठीक है। सो इसको भी उठा के ले जाएंगे एंड इसको वाले बटन को फुल साइज़ करना है हमें, ठीक है। एंड ये सारी चीज़ को पहले साइड कर लेते हैं, ऊपर रख दोगे तो फिर नीचे स्लाइड करने में दिक्कत होगा, ठीक है। तो उसको फुल साइज़ कर लिया, इसे कोने पे रख लेते हैं, ठीक है। अब ये सारे भाई इतने सारे बटन्स दे दिए गए ना BGMI कंट्रोल्स करना दिक्कत हो जाता है, कहाँ पर क्या रखना कुछ समझ नहीं आता। तो इसको भी इधर से उधर कर देते हैं, मतलब सारे आलतू फालतू बटन्स को बीच में ला लेते हैं। इसके बाद जाके जो मेन मेन बटन उसको एडजस्ट करते हैं, फिर जाके काम करते हैं, ठीक है। तो जो जंप वाला बटन, सॉरी जो प्रोन वाला बटन रहता है, वो टॉप पर रखते हैं। इसका साइज रहेगा 140, ठीक है। एंड ये स्प्रिंटिंग वाले बटन को भी डाउन कर देते हैं। ये सारे बटन्स को वहाँ पर एरिया पूरा खाली कर देते हैं पहले। अब इसका भी साइज़ करीब 140 रखने वाले हम लोग, ठीक है। अप्रॉक्स 140 रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इस पर। तो इसको भी हो गया 140, चलो हो गया। तो अब इसको ले चलते हो ऊपर एंड यहाँ पर इसे भी एडजस्ट कर देते हैं। तो ये दो काम हो गए, ठीक है। इसको साइड कर देते हैं पहले थोड़ा सा, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या आपको साइड एडजस्ट कर दें, जितने दिन कोड वर्क करता है लोग कोड से कर सकते हो। एंड कोड अगर नहीं वर्क करता है तो स्क्रीनशॉट ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है इस पर। तो अब फोर फिंगर करने वाले हैं, तो जो फायर बटन रहता है उसको ऊपर सेट करने वाले हैं, ठीक है। अब ये हो गया यहाँ पर। अब इसको जो स्प्रिंट वाला बटन है उसको थोड़ा छोटा कर, जिससे आपका स्प्रिंटिंग जल्दी लग जाएगा, ठीक है। एंड ये जो बटन रह गया आपका प्लेयर्स नाम, तो उसको आपको छोटा कर देना है। तो ये सारे हो गए। अब जो मैप की रही बात, तो इसको ऊपर ले जाना है, ठीक है। अब भाई देखो, डिस्प्ले थोड़ा सा हाइट होगा, सामने का व्यू थोड़ा सा हाइट होगा, बट सही है, ये कंट्रोल बहुत ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। एंड हाँ, जो जैसे आप लोग अपने कंट्रोल्स पर हाथ बैठा लेते हो तो आपको जो अपने कंट्रोल्स का ट्रांसपेरेंसी होता है ना, उसे कम कर देना ताकि आपको सामने वाला पार्ट जो विजिबल हो जाए, ठीक है। तो ये हो गया। अब बारी आती है पीक ऑप्शन की, तो पीक वाले ऑप्शन को भी इधर करते हैं हम लोग एंड इसको भी सेट कर लेते हैं। इसको भी सेम कुछ 180 साइज रखेंगे एंड इसको कुछ ऐसे रखेंगे। एंड भाई जो दूसरा बटन रहता है ना फायर का, इससे हम हाइड एंड डिसेबल कर सकते हैं, बट अगर आपको दूसरा बटन यूज़ करना है तो आप लोग थोड़ा बहुत कंट्रोल के एडजस्ट करके रख लेना, उसे कोई दिक्कत नहीं है उस पर, ठीक है। तो इसको ना थोड़ा सा ऊपर करते हैं अपने क्राउंच वाले बटन को एंड इसको कुछ इस तरह एडजस्ट करते हैं। चलो ये हो गया। अब यहाँ पर हमें स्कोप वाले, ये हो गया क्विक स्कोप। और एग्जिट वाला बटन जो है भाई, हम अब रखने वाले हैं पीक के ऊपर, क्योंकि पीक जब करोगे तो गाड़ी के अंदर नहीं कर सकते, सिंपल सी बात, ठीक है। ये हो गया। अब वॉइस वाला बटन को आपको जस्ट मैप के साइड पर रख देना, जिससे आपको ईजी हो। एंड जॉयस्टिक को थोड़ा सा नीचे कर देते हैं ताकि हाथ उंगली बैठे ऊपर अच्छे से। चलो ये सारी हो गए। हाँ, मेन साथ है गन्स को भी, तो गन्स को भी करेंगे। तो FPP और TPP सामने रख दे ताकि आप लोग नीचे वाले फिंगर से ही कर लो उसको TPP और FPP जब सामने क्लोजिंग कर रहे हो। तो अब इनका साइज़ हम लोग कुछ रखने वाले 150 के अप्रॉक्स, तो इनको 150 रख देते हैं। पहले कैंसिल ऑफ साइड रहता, चलो हो गया। अब इससे भी 150 रखते हैं एंड इसको एडजस्ट करेंगे, बराबर बराबर में रखेंगे ऊपर नीचे करके। तो ये हो गया यहाँ पर एंड ये हो गया ऐसे, चलो सही हो गया, ठीक है। तो अब बारी आती है स्लाइड से, ये सारी तो सिंपल से बात हो गई। इनको आप कहीं भी रख सकते हो, ठीक है। ये मेरे उतना मैटर नहीं करते, तो इनको आप नीचे भी रख दो क्योंकि इनका यूज़ ना बहुत ज़्यादा कम होता है। सो मैं मेनली रिकमेंड करूँगा आप लोग इन ट्रांसपेरेंसी वगैरह कम करके इसको साइड में कहीं फेंक दो कोने वोने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा कम यूज़ होता है, ठीक है। अब भाई बैकपैक को मैं इसलिए रखता हूँ ताकि आप लोग दौड़ते दौड़ते कुछ सामान पिकअप कर सकते हो, फेंक भी सकते हो, जो कि आपको ईजी करेगा, ठीक है। अब स्प्रे वाले बटन को भी नीचे तो रख नहीं सकते, तो ऊपर ही रखना पड़ेगा कहीं पर। तो चलो सामने पे रख देते, ठीक है। अब इसका ट्रांसपेरेंसी आप लोग कम कर देना क्योंकि स्प्रे वाले बटन उतनी ज़रूरत होती नहीं है।
पिंक वाले पैटर्न को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। चलो हो गया ये भी। अब ये सारे सिंपल वे से आपको थोड़ा बहुत एक्यूरेट रख लेना है, ठीक है। तो कैंसिल भी हो गया यहाँ पर। चलो अब प्लेयर नेम्स को ऊपर थोड़ा सा कर, अब प्लेयर्स नाम को आप लोग सामने भी रख सकते हो, तो अपने सामने सिर के सीधे में बीच में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बट यहाँ पर भी सही है, कोई बात नहीं। यहाँ पर अब ये सारे ऑलमोस्ट सारे चीज़ हो चुके हैं, तो वेल बन चुके हैं कंट्रोल। अब मुझे बताओ कि कंट्रोल कैसी है, ठीक है। अब एक चीज़ मुझे बताओ पहले यहाँ पर कि देखो मेरा फ़ोन इतना ज़्यादा भी लैग करने वाला है ना, कि भाई मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है ऐसा लैग क्यों कर रहा है। बीच बीच में कुछ देर गेम खेलने के बाद ही ऐसा लैग होता है, पता नहीं ये फ्रीजिंग प्रॉब्लम कैसे हो जाता है, गेम का कुछ बग वगैरह हो पता नहीं। तो वेल कंट्रोल बन चुकी है यहाँ पर फाइनली, ठीक है। अब ये वाले कंट्रोल यहाँ पर स्क्रीन पे भी देख सकते हो, जिससे आपको रिकॉल कंट्रोल वगैरह करने में भी ईजी हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्प्रे वगैरह भी, ठीक है, एंड कुछ इस तरह का कंट्रोल देखने वाला है। अब भाई देखो कंट्रोल करने से, कंट्रोल कॉपी करने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। तो चलो मैं आपको कोड दे देता हूँ, एंड कोड तब तक ही वर्क करे जब तक मैं कोई न्यू वीडियो ना बना दूँ, तब तक आप लोग कोड कॉपी वगैरह कर सकते हो। यहाँ पर स्क्रीन भी देख लो, ठीक है, कमेंट में कोड नहीं दे सकता आप लोग, ये बात बिलीव करो। तो देख सकते हो जैसे मैं न्यू कोड बनाता हूँ ना, तो पुराने वाले कंट्रोल्स हट जाते हैं, खुद लिखा हुआ है, तो प्लीज़ कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। सो ओके करते सिंपली से, एंड शेयर पर क्लिक करेंगे, हो जा शेयर पर, चल 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 चल। तो यहाँ से कॉपी कोड कर लेना आप लोग यहाँ पर, ठीक है। अरे भाई टेंशन ना लो, कोड देने वाला से मजाक कर रहा था, ठीक है। तो कुछ इस तरह का वो कंट्रोल दिखने वाला, एंड कॉपी कोड वाला मैंने बहुत बार बताया, तो ध्यान से इस बात को सुन लेना, कोई गलती मत करना, बाद में कमेंट मत कुछ बोलना मुझे, ठीक है। सो कमेंट हाँ डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा कोड, अगर आप सभी को देखने में दिक्कत हो रही हो तो ये कुछ ऐसा कोड देखने को मिलने वाला है आपको। तो ये सारे कोड आप लोग अप्लाई करना जाकर अपने सेटिंग्स पे, आपका जो लेआउट है, मेरा जो लेआउट है आपके फ़ोन में कॉपी हो जाएगा, एंड ईजिली आप लोग गेम को खेल सकते हो, ठीक है। एंड हाँ गाइस, मुझे एक सजेशन चाहिए कि आप सभी को मेरे चैनल पे किस टाइप की वीडियोस देखना पसंद है, ठीक है। BGMS की कोई सा भी प्रॉब्लम वगैरह हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, सॉल्यूशन मिलेगा मैं ज़रूर से बनाऊंगा, बट BGMI के जितने भी टॉपिक्स वगैरह हैं ना भाई, तो प्लीज़ जाकर मुझे कमेंट कर दिया करो। मैं मुझे क्योंकि मुझे BGMI का भी कंटेंट मिलना मुश्किल हो रहा है अभी, सो प्लीज़ अगर कंटेंट वगैरह आपसे को मिलता है ना, तो जाकर मुझे ज़रूर से बताना, कोई सा भी टॉपिक मुझे बताना, अगर पसंद है मैं ज़रूर से उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। फिलहाल यही लैग देख लो आप लोग, तो चलो जाके कमेंट कर दो कि नेक्स्ट वीडियो पे आपको कौन सा कंटेंट चाहिए, मतलब कौन सा टॉपिक चाहिए। एंड तो इस वाली वीडियो के लिए बस इतना है, आई होप आपसे कोई वीडियो पसंद आई हो। तो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि हमें करनी है 20K की फैमिली। सो फर्स्ट टाइम क्या कर रहे हो गाइस, फटाफट सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन कॉल पर जरूर से प्रेस कर लो। तो चलो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे, एंड हाँ एंड स्क्रीन जरूर से देख के जाना। I'm the only one.